नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल मंत्रा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो काम आपको कभी नहीं करने अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो उस पे आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। तो आज उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और मैं और बातें आपको बताऊंगा जो कि आपको कभी नहीं करनी, और उम्मीद है इस पे भी आप वैसे ही प्यार देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बात करते हैं पहले पॉइंट से कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो दूसरों से किसी भी तरीके की उम्मीद मत रखो। वो क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि उम्मीदें ही इंसान को सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। जो दुख इंसान को उम्मीद टूटने से आता है वो किसी और चीज से नहीं आ सकता और ना ही आता। तो यदि अपने गोल्स अचीव करने हैं तो दूसरों से किसी भी बात की उम्मीद मत रखो, चाहे वो उम्मीद कैसी भी क्यों ना हो, चाहे छोटी उम्मीद हो या बड़ी उम्मीद हो। हर चीज को खुद अंजाम दो, इससे आपका अनुभव तो बढ़ेगा ही और साथ ही आपको खुशी भी मिलेगी जो कि आपको मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए। और हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि यह व्यक्ति मेरा यह काम करेगा, वो व्यक्ति मेरा वो काम करेगा और मैं यह काम करूंगा। तो आप अपना काम तो पूरा कर लेते हो, परंतु दूसरा व्यक्ति आपको धोखा दे जाता है। फिर आपको अपने काम में भी वो खुशी नहीं होती जो आपको होनी चाहिए। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। इसलिए किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद मत रखो। मतलबी जमाना है आजकल, सब अपने मतलब का सोचते हैं। तो आप अगर थोड़ा समझदारी से चलो तो इसमें बुराई क्या है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हमेशा याद रखना कि किसी से भी उम्मीद मत रखना। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो यह भी इम्पोर्टेंट है और यह बात है कि एक ही समय में एक से ज्यादा कामों में घुसना। देखो दोस्तों, ये कुछ लोगों में आदत होती है कि वो एक ही टाइम में दो दो तीन तीन काम करते हैं। जैसे खाना खा रहे हैं तो साथ में मोबाइल पर चैटिंग भी कर रहे हैं, फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पढ़ाई करते हुए और भी काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो ये चीज बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि आपको लगेगा कि ये मेरा टैलेंट है, परंतु असल में ये चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। इसलिए एक ही समय में एक ही काम करो, वो भी पूरी डेडिकेशन के साथ। एक टाइम में 10-10 काम करने में तुम उन कामों को कर तो लोगे, लेकिन सब में 10-10% डेडिकेशन होगी। 100% डेडिकेशन तुम एक टाइम में 10 कामों को दे ही नहीं सकते। इसलिए हर काम का एक टाइम टेबल बनाओ और उसे पूरी शिद्दत के साथ करो, ताकि वो वैसा ही हो जैसा आप चाहते हो। इससे आपका फोकस लेवल इंक्रीज होगा और आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे कि एक टाइम में एक ही काम कैसे करना है, वो भी पूरी मेहनत के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर तुम काम करते करते थक जाते हो तो थोड़ा रेस्ट ले लो, उससे थोड़ा साइड हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं करना कि काम करते करते थक गए तो भी जबरदस्ती उसे कर रहे हो। आपको उस काम को करते समय फुल एनर्जेटिक रहना होगा, तभी उसका बढ़िया रिजल्ट आपको मिल पाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।